केवल हिंदुओं का संगठन बनाना और उसको राष्ट्रीय कहना, ये उनकी उस समय की राजनीति से चीज़ें शुरू होती है। और बीच बीच में वो कहते रहते हैं कि सारा देश के जो लोग हैं वो सब हिंदू ही हैं, 136 करोड़ हिंदू की बात अभी भी उन्होंने कही भागवत जी ने। अब वो 136 करोड़ हिंदुओं में हमारे राजस्थान में एक साथी, आपने फिरोज खान का नाम सुना होगा, BHU में जो पढ़ा रहे थे, फिरोज खान का परिवार 3 पीढ़ियों से मोहम्मदी हिंदू है। मैं मोहम्मदी सब हिंदू इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो भी उनकी 136 करोड़ में हिंदू हैं और वो मोहम्मदी हिंदू हैं, और वो जो परिवार है वो 3 पीढ़ियों से कृष्ण के भजन गा रहा है। ऐसे मोहम्मदी हिंदू का संस्कृत पढ़ाना आपको बर्दाश्त नहीं हुआ तो आप कैसे राष्ट्रीय हैं और क्या राष्ट्रभक्त हैं और कौन सा राष्ट्र बनाएंगे, ये सवाल हमको जरूर पूछना चाहिए। आपने जो कहा वो कौन सा लम्हा था, उस लम्हे के आने में कई सारी चीज़ें हैं। मैं तो प्रचारक बनना चाहता था लेकिन मुझे कहा गया कि हमें प्रचारक चाहिए, विचारक नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं गलती से इधर आपके बीच में हूँ, नहीं तो हो सकता है कि अभी आपके खिलाफ मैं भी पता नहीं क्या क्या लिख रहा होता, कुछ कह रहा होता। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें जो हुई और उसको मैंने तफसील से अपनी किताब में लिखा है, बाहर किताब भी है, आप उसको विज्ञापन नहीं समझें लेकिन आप ले सकते हैं वहाँ से। लेकिन मैं जब अयोध्या वाली कारसेवा में गया और लौट के आया, फिर मार्च 1991 में मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो एक बड़ा अभियान चलाया गया, और मैं जिस जिले से आता हूँ भीलवाड़ा से, वहाँ पर भी एक बड़ी रैली हमने निकाली, और उस रैली का समय और नमाज का समय एक था, और उस रैली को गुजरना था एक मस्जिद के नीचे से होकर के, और उस समय BJP की गवर्नमेंट थी राजस्थान में, और प्रशासन ने कहा कि नमाज के जो नमाजी निकल जाए उसके बाद रैली को ले जाना चाहिए। तो हमने कहा हमारी गवर्नमेंट है और गुलमंडी जहाँ ये है, गुलमंडी क्या पाकिस्तान में है जो हम वहाँ से नहीं निकल सकते, हम निकलेंगे और उसी समय में निकलेंगे। तो इस बात को लेकर के जब आपस में रसाकसी हुई, किसी ने पीछे से पत्थर फेंके, गोली चल गई, और गोली में 2 लोग मारे गए, 2 ऐसे लोग मारे गए जिनका उस आंदोलन से कोई लेन देना नहीं था, उस दिन के प्रदर्शन से भी कोई लेन देना नहीं था। एक व्यक्ति सामान खरीदने आया गांव से और वो गोली का शिकार हो गया, दूसरा दिन में काम करता था, रात में काम करता है, दिन में सोता रहता है, उसने बाहर कुछ आवाज़ सुनी, बाहर निकला और ऐसा निकला ही आधा और गोली लग गई, वो मर गया। लेकिन संयोग से दोनों हिंदू थे इसलिए शहीद हो गए, मुसलमान होते तो ढेर हो जाते वो। तो फिर उनका एक अस्थि कलश निकाला गया, अस्थि कलश हमारे गाँव में भी आया, सारे जो अस्थि कलश के साथ लोग थे उनका भोजन मेरे घर में बनाया गया, और उस भोजन को, मेरे पिता तो बहुत NTRSS व्यक्ति हैं, उन्होंने कभी मेरा RSS में जाना पसंद नहीं किया, लेकिन मेरे को लगता था कि ये कांग्रेसी हैं और ये देशद्रोही हैं इसलिए ये मेरे को जाने से रोकते हैं। तो जब मैंने उनको कहा कि भाई यहाँ खाना खाएंगे, उन्होंने कहा कभी नहीं खाएंगे, मुझे पता है। मैंने कहा आप जानते ही नहीं हमारे संघ के बारे में, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं चलता है ऐसा जातिवाती, हम सबके यहाँ खाते हैं, सबके यहाँ जाते हैं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, मुझे खुशी होगी, बनाओ। तो खाना बनाया गया और ये अस्थि कलश यात्रा गांव में आई, भाषण वासन हुए, 9-9:30 बजे रात तक कार्यक्रम चला, फिर हमने कहा कि भोजन ग्रहण कीजिए। तो उनमें से एक सेवा भारती के जो जिलाध्यक्ष थे नंदलाल, वो मुझे एक तरफ ले गए और मुझे कहा कि बंधु आप तो समझते हैं कि अभी अपना हिंदू समाज इतना समरस नहीं हुआ है, तो हम तो खा लेंगे आपके यहाँ, हम तो कभी भी खा सकते हैं आपके साथ, एक थाली में खा सकते हैं, लेकिन ये जो साधु संत आए हैं इनको थोड़ा संकट रहेगा, तो आप ऐसा कीजिए कि पैक करके दे दीजिए खाने को। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैं तो अयोध्या में मरने के लिए चला गया, लेकिन वो मेरे घर में खाना खाने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन मेरी स्थिति आप समझ सकते हैं। मेरे पिताजी ने पहले ही कह दिया था कि ये नहीं खाएंगे, और मैंने दावा किया कि मैं 5 साल से काम करता हूँ और वो खाएंगे ही खाएंगे, तो मुझे लगा कि ये ठीक है कि ये बांध के भी ले जा रहे हैं। तो जब बांधना शुरू हुआ तो मेरे पिताजी ने पूछा क्यों नहीं खा रहे, तो उन्होंने नहीं जवाब दिया लेकिन मैंने ही अपने से जवाब दिया कि अगले गांव में एक और कार्यक्रम करना है और समय नहीं है इसलिए नहीं खाएंगे। लेकिन वो ले गए खाना, खाया नहीं उन्होंने, वहाँ एक वैद्य राम स्वरूप शर्मा के घर में उन्होंने रात 10 बजे पहुँच करके खाना बनवाया। मेरे यहाँ से जो खाना गया उसको वो चौराहे पर सड़क पर फेंक के चले गए, और दूसरे दिन इस घटना के बारे में उस यात्रा में जो मेरा एक क्लास फेलो था उसने आकर के मुझे बताया, मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। तब हम दोनों मित्र जा करके वहाँ उस जगह को देखा जहाँ खाना फेंका गया था, और जब ये यकीन हो गया कि वास्तव में फेंका गया तो यात्रा जहाँ पहुँची वहाँ पहुँचे हम लोग, और मैंने ये सवाल पूछा कि आपने पहली बात तो मेरे यहाँ खाया नहीं, पैक करके ले गए, और पैक करके ले जाने के बाद आपने फेंक दिया,
तो उन्होंने कहा कि आप बहुत छोटी सी बात को बड़ी बना रहे हैं, खाना फेंका नहीं गया था, जीप में पीछे बैठे हुए साथियों के हाथ में था, गाड़ी टर्न पे मुड़ी, हाथ से छूट गया खाना, अब गिरा हुआ खाना खाएंगे क्या हम लोग? तो इतने गिरे हुए नहीं थे या थे अब आप समझ सकते हैं, लेकिन वो खाना जिस दिन गिरा या खाना जिस दिन उन्होंने फेंका, उस दिन उन्होंने मुझे भी फेंक दिया, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ हूं।